आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं आपको लखनऊ की बहुत ही फेमस टीले वाली मस्जिद में, और ये टीले वाली मस्जिद का वज़ू खाना है और उसके ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है जिसमें टीले वाली मस्जिद की सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो ये सामने जो आपको दिख रही है ये टीले वाली मस्जिद है, और मस्जिद में एक दरगाह भी है मस्जिद के बाहर ही जस्ट। तो उसके लिए यहाँ पर चादर भी मिल रही थी, चादर पेश करने के लिए, और इत्र भी यहाँ पर मिल रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं मस्जिद के अंदर साइड में, जीना चढ़ के ऊपर है मस्जिद। तो मस्जिद के बाहर ये देखिए एक बोर्ड भी लगा हुआ है, सारी डिटेल्स इसके ऊपर लिखी हुई है। तो अभी हम लोग चलते हैं जीना चढ़ के टीले वाली मस्जिद, और अंदर से भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि टीले वाली मस्जिद अंदर से कैसे दिखती है। तो चलिए चलते हैं ऊपर के साइड में। और ये जो मस्जिद है ये नवाबों के समय से बनी हुई मस्जिद है, जो कि काफ़ी टाइम पहले बनाई गई थी, लेकिन देखने में आज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है और बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है अंदर से भी। तो ये मस्जिद के पीछे खुला आसमान है जो कि देखने में कितना अच्छा लगता है, और ये मस्जिद जितनी खूबसूरत बाहर से देखने में लगती है उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये अंदर से बनी हुई है। तो अंदर से भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि टीले वाली मस्जिद अंदर से भी कैसे दिखती है, कितनी ज़्यादा खूबसूरत है ये। और मैं यहाँ जुमे के दिन आया था, तो जुमे की नमाज़ यहाँ पर हो चुकी है और काफ़ी भीड़ थी यहाँ जुमे की नमाज़ में, और बहुत ही सुकून से यहाँ पर नमाज़ हुई है, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ नमाज़ पढ़ के। और ये जो सामने देख रहे हैं यहाँ पर ये जो गुंबद दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक मज़ार है, वो मज़ार के भी अंदर आपको ले कर चलेंगे वीडियो में, इसीलिए पूरा बने रहें, लास्ट तक के वीडियो देखें। और वीडियो में पूरा मैंने दिखाया कि टीले वाली मस्जिद के आस पास क्या क्या फेमस जगह है और क्या सब कैसा है अगल बगल। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये भूल भुलैया का पीछे साइड का इलाका है, तो यहाँ से ये भूल भुलैया भी दिखती है, और यहाँ से पक्का पुल भी दिखता है। पक्का पुल भी अभी मैं दूसरी साइड जाके आपको दिखाऊंगा। और जो इस मस्जिद का नाम है टीले वाली मस्जिद, वो इसका नाम इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई पर बनी हुई है। हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जीने चढ़ के ऊपर आना पड़ा है, और उसके बावजूद ये काफ़ी ऊंचाई पे बनी हुई है, इसलिए इसका नाम टीले वाली मस्जिद है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पक्का पुल है, जो कि यहाँ से चारों ओर इतनी ऊंचाई पे ये मस्जिद बनी हुई है कि यहाँ से चारों ओर का नज़ारा दिखता है कि अगल बगल क्या है इसके। टीले वाली मस्जिद के पीछे जस्ट भूल भुलैया है, और जस्ट सामने पक्का पुल है, और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मज़ार का गुंबद है। और यहाँ पर बहुत बड़ी जगह है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो जुमे में जगह की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से सब लोग यहाँ पर मिलजुल कर नमाज़ पढ़ते हैं। और ये जो मस्जिद का डिज़ाइन है ये ईरान के एक आर्किटेक्चर थे, उनका बनाया हुआ ये डिज़ाइन है, जो कि देखने में आज भी कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। और मस्जिदों से ये काफ़ी मस्जिद अलग दिखती है और काफ़ी खूबसूरत भी दिखती है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा मस्जिद के गुंबद के ऊपर भी छोटे छोटे कई सारे गुंबद बने, तो ऐसा डिज़ाइन आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगा अभी। और अभी जो आपको सामने ये मज़ार दिख रही है, ये मज़ार के जस्ट पीछे छोटी छोटी तीन चार मज़ारें और भी बनी हुई थी, यहाँ पर छोटी छोटी कई सारी मज़ारें और भी बनी हुई हैं। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये कुआं है, इसका इस्तेमाल यहाँ के वज़ू खाने में पानी पहुँचाने के लिए किया जाता है, और ये पास में ही एक यहाँ पर नदी है उससे ये जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से पानी आता है और मोटर के ज़रिए सारे वज़ू खाने में पहुँचाया जाता है इसका पानी। और ये मस्जिद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई है बाहर से भी। हम लोग चलते हैं मस्जिद के अंदर साइड, और मस्जिद के अंदर साइड हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है, मस्जिद अंदर से कितनी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। पुराने ज़माने में जो चीनी के बर्तन चलते थे, प्याले या प्लेट, उसके ऊपर ये डिज़ाइन बना होता था, कुछ उसी तरीके का डिज़ाइन है। और मस्जिद अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है, बहुत सारे तरह तरह के डिज़ाइन अंदर बने हुए हैं, और यहाँ पर कलमा भी लिखा हुआ है, और बहुत सारे डिज़ाइन अंदर बने हुए हैं, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ वहाँ एक नया डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। और टीले वाली मस्जिद के अंदर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए भी आते हैं, और जो यहाँ घूमने भी आते हैं वो लोग भी यहाँ पर ज़रूर आते हैं एक बार मस्जिद को देखने के लिए।
अपने यहाँ पे जुमे की टाइमिंग है 1 बजे अजान होती है और 1:30 पर जमात होती है। तो आप लोग यहाँ पर आके नमाज भी पढ़ सकते हैं और अंदर से देख लीजिए, अंदर से कितनी ज़्यादा अच्छी खूबसूरत बनी हुई है टीले वाली मस्जिद। और ये जो सामने आपको पुल दिख रहा है, ये भी पक्का पुल की नकल की गई है। ये पक्का पुल ओरिजिनल वाला नहीं है, ये अभी नया पुल बना है। इससे पहले जो मैंने दिखाया था वो पक्का पुल था, पुराना वाला। तो अभी हम लोग आ गए हैं मज़ार के बाहर और मज़ार के अंदर आपको ले के चलते हैं और दिखाते हैं मज़ार शरीफ के अंदर का नज़ारा। तो अभी हम लोग चलते हैं मज़ार के अंदर और मज़ार के बाहर भी 3 से 4 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो सीढ़ी चढ़ के अभी हमको अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर अंदर आने के बाद पता चला कि यहाँ पे 4 मज़ार हैं और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर 4 मज़ार बनी हुई है एक साथ में। अगली बगल 4 मज़ारें यहाँ पर बनी हुई हैं। सबसे पहली मज़ार ये है जो आप देख पा रहे हैं और जिस पर चादर पड़ी है, ये दूसरी मज़ार है और जिसके सर के और जिस मज़ार शरीफ के सर के पास पत्थर लगा हुआ है वो तीसरी है और जो सबसे कोने में आपको दिख रही है वो चौथी है। और इसमें यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखा भी हुआ है, अगर वीडियो में सही दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो के लास्ट में मैंने फ़ोटो खींची है पत्थर की, तो वीडियो के लास्ट में मैं वो दे दूँगा, वहाँ से देख के आप लोग पढ़ लेना। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये चौथी मज़ार है, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, तो इसकी भी फ़ोटो मैंने लास्ट में दे रखी है वीडियो की। तो वीडियो को लास्ट तक के देखना और लास्ट में पढ़ भी लेना क्या है, क्या लिखा हुआ है। और ये अंदर मज़ार के छत का डिज़ाइन है, देख लीजिए कितना अच्छा बना हुआ है। लखनऊ की जितनी भी इमारत है सबका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और अभी हम लोग आ गए हैं दूसरी मज़ार पे, तो दूसरी मज़ार के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर कैसा है। तो अभी हम लोग मज़ार के अंदर आ गए हैं, आप लोग देख लीजिए मज़ार अंदर से ऐसी दिखती है और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन बना हुआ है मज़ार का भी। और अंदर से देख लीजिए आप लोग कैसी दिखती है। आप लोग भी हमारी वीडियो के ज़रिए ज़ियारत कर सकते हैं यहाँ की। और यहाँ पे मुझे ऐसा कोई बंदा मिला नहीं जिससे मैं पूछ सकूँ कि यहाँ के बारे में, यहाँ का उर्स कब होता है और बाकी की सारी डिटेल। तो मैंने यहाँ पे पता किया था तो मुझे कोई मिला नहीं ऐसा जिससे मैं पूछ सकूँ, तो अभी तो पूरी जानकारी नहीं है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अगरबत्ती जलाते हैं और यहाँ पर मन्नत के धागे भी सब बांधते हैं। और बाहर से देखिए आप मज़ार का गुंबद और मज़ार कितना अच्छा। उम्मीद करता हूँ बाहर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है नवाबी टीवी को, और शेयर भी कर देना है और लोगों के साथ।